वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की। ये रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको अपडेट करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। फॉर्म भरने से पहले आपको जो है इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जानना बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। और एक अपडेट और है आप सभी छात्रों के लिए, जो कि छात्र यहाँ पे अगर बिहार बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप जुड़कर अपने बिहार की उन सभी तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अपना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अपने मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर करेंगे, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, अपने सब्जेक्ट को चूज करके यहाँ पे आप एक रेफरल कोड डालेंगे, जो कि रेफरल कोड अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, इट्स जितेंद्र 10। यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको किसी भी कोर्स पे अवेलेबल होगा। तो आप बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़िए आज शाम 5 बजे। जी हाँ, आपकी बिहार स्पेशल क्लासेस ली जाएंगी और वो भी जूम लाइव वेबिनार पे होगा ये क्लासेस। साथ ही बिहार के शीर्ष शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे 22 अप्रैल को भी एक लाइव वेबिनार रखा गया है, जो कि शाम को 4 बजे होगा, जो कि उज्जवल कुमार सर आपका यहाँ पे क्लास लेंगे। यही नहीं, ऐसे ही लगातार अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से भी। बिहार जीके सीरीज को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं वरुण कुमार और अभिमन्यु सर के साथ, जहाँ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो। दोस्तों आपको जितने भी क्लासेस है उसका एग्जाम शेड्यूल जो है, टेस्ट शेड्यूल जो है, वो पहले ही कर दिया जाता है। तो आप लोग भी जुड़िए इन बेस्ट एजुकेटर के साथ अपने उन बेस्ट सब्जेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये मैराथन है। और 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर यहाँ पे जी हाँ, बिहार के सभी शीर्ष शिक्षकों से यहाँ पे विषयवार रिवीजन का पूरा कार्य किया जा रहा है। बिहार दरोगा मेंस अगर आप देते हैं यहाँ पे तो आपके लिए कुछ अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा मेंस दे रहे हैं तो 17 से लेकर 24 अप्रैल तक दोपहर 2 बजे आप जुड़ सकते हैं बिहार अनअकैडमी। जी हाँ, यहाँ पे बिहार दरोगा मेंस को लेकर। यही नहीं, बिहार में अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिहार स्पेशल, जहाँ बिहार स्पेशल में आपको दोस्तों ये 26 अप्रैल यहाँ पे शाम को 8 बजे अभिमन्यु सर जो हैं यहाँ पे आपकी क्लासेस लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर होंगे बीपीएससी में पीटी के लेकर वो आप तक साझा किया जाएगा। यही नहीं, लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँचाए जा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग भी जुड़िए अनअकैडमी के साथ, दिस इज योर अनअकैडमी। रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलेंगे, अपने कोर्सेज को परचेज जरूर कर ले और जल्दी से ज्वाइन करें। जी हाँ, चलिए तो अब मैं लिए चलता हूँ दोस्तों आप सभी उन छात्रों को यहाँ पे, जो कि आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी है अपडेट की गई है BIS की तरफ से, और ये जो है वैकेंसी अपडेट आई हुई है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से। अभी जितने भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, क्योंकि वेरियस पोस्ट के लिए आपको वेरियस यहाँ पे सैलरी भी है, और इन सैलरीज के लिए अलग अलग अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उनके अलग अलग क्वालिफिकेशन भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन जानते हैं यहाँ पे। जो भी छात्र यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, उनके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और हिंदी या अंग्रेजी में कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मास्टर्स में। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका हिंदी और इंग्लिश जो है एज ए सब्जेक्ट उस डिग्री में होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए निकाला गया है। और साथ में यहाँ पे मांगा जा रहा है 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। मैं सैलरी बताऊंगा इसका, कितना सैलरी है और कितनी वैकेंसी है यहाँ पे, ये सारी डिटेल आपको अपडेट करूंगा दोस्तों। वहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है जो कि फाइनेंस के लिए निकाला गया है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस है, जहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद द पर्सनल स्पेशलाइजेशन। 2 साल का ये कोर्स होता है दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव करती है इसको, जहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द 2 एजुकेशनल अप्रूव इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए,
जहाँ पे सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ सेचुरेटरी, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये आपका अगर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है यहाँ पे, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तीसरा पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो कि मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर के लिए है यहाँ पे। मास्टर का डिग्री होना चाहिए आपका, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इन मार्केटिंग में, या फिर आपने MBA कर रखा है इन मार्केटिंग सेक्टर, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मास कम्युनिकेशन और मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन द सोशल वर्क, ये अगर आपके पास इन सभी में से कोई एक डिग्री है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है इन सभी सेक्टर में, चाहे आप मास कम्युनिकेशन में हो, मार्केटिंग में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चौथा पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, तो ये पोस्ट है दोस्तों डिग्री, एनी डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट लिस्ट अप टू द लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, द टेस्ट शैल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो टेस्ट होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपको यहाँ पे इसका टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होता है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होता है, लेकिन आपका किसी एक में होगा, जहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट फॉर द 7 मिनट विच इज द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू द ट्रांसक्राइब इन द 40 मिनट इंग्लिश डिरेक्शन को लिखना होगा, डिटेक्शन को लिखना होगा, और 60 मिनट इन हिंदी के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर है एग्जाम पैटर्न का, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो डिसिप्लिन है आपका, उसमें डिग्री होना अनिवार्य है। ओके, अब अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन का है, जहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन के लिए। चौथा यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे छठा पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट कंप्यूटर डिजाइन का, एडिट डिजाइन का। तो ये जो वैकेंसी है, ये बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन साइंस और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑटो कैड में। चूंकि देखिए एडिट डिजाइन के लिए यहाँ पे बात हो रही है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन की, तो CAD की बात हो रही है कंप्यूटर एडिट डिजाइन की, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस उसी में काउंट किया जा रहा है, यानी मांगा जा रहा है आपसे, तो आपके नॉलेज होने चाहिए और इसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास है साइंस में और 5 साल का ऑटो कैड पे वर्क एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैनशिप का, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ऑटो कैड पे, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन में, बट कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल चेक किया जाएगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, जिसमें कि इंग्लिश हिंदी के लेकर यहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश में, और जो है 60 वर्ड पर मिनट जो है आपका 65 मिनट जो है मिलेगा, 50 to 65 मिनट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा इस टेस्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। विजुअली डिजेबल कैंडिडेट्स हैव डिजेबिलिटी 40% एंड द एबव विल बी द रिक्वायर्ड। अब जो भी छात्र PH कोटे से आते हैं उनको यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा दे दिया जाएगा, और वो जो है 90 मिनट लगभग हिंदी में मिलेगा, और जो है इंग्लिश के लिए दोस्तों 70 मिनट आपको दिया जाएगा जो भी PH कोटे से आते हैं। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरीट का असिस्टेंट का, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट कंप्यूटर में लिया जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आपका होगा 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट का, टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड द टेस्ट होगा पावर पॉइंट का आपका 15 मिनट का। तो ये आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का भी एक पोस्ट है यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कक्षा पास वाले छात्र इधर आवेदन करेंगे, शैल बी फैमिलियर इन द जॉब, उनको जॉब में फैमिलियर होना पड़ेगा, ये हॉर्टिकल्चर का है, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, जहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा में, और जो है मिनिमम 60% जो मार्क्स है आपके होने चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपको यहाँ पे 50% पे भी आवेदन करने को मौका मिलेगा। केमिकल डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे बैचलर डिग्री है अगर साइंस में आपके पास केमिकल डिसिप्लिन के लिए केमिस्ट्री में, और एक सब्जेक्ट आपका जो है मेन पेपर होना चाहिए केमिस्ट्री का,
विद द मिनिमम 60% मार्क्स और 50% मार्क्स है एससी एसटी छात्रों के लिए। माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री किया है साइंस के साथ माइक्रोबायोलॉजी सब एज ए सब्जेक्ट, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है जहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं या उसके इक्विवेलेंट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, यानी कि आपके पास आईटीआई की डिग्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर या फिर वेल्डर शुड बी ऑल्सो हैविंग द पास द वेल्डर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का पार्टिकल एक्सपीरियंस है ना, पार्टिकल एक्सपीरियंस वो मांगा गया है यहाँ पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी जरूरी है। सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए एनएसी, जी हाँ दोस्तों एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया इन 12 पदों के लिए, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है। टोटल जो पोस्ट है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं यहाँ पे दिए गए। और अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का यहाँ पे करीब 56,100 से लेकर 1,00,000 से ऊपर की सैलरी होगी। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 35 साल का होगा, पोस्ट एक ही है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें हम यहाँ पे तो लेवल 10 का यहाँ भी सैलरी स्केल है, 56,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 35 साल का एज क्राइटेरिया है और एक सीट यहाँ भी अवेलेबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर का अगर वैकेंसी की बात करें तो इसका भी लेवल 10 का जो सैलरी स्केल है और 56,000 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। 35 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे 2 पद आपको दिए गए हैं आवेदन करने का। ओके, यहाँ पे अगला जो पद है दोस्तों यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का है जो कि लेवल 6 का है और ये 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 28 है, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। और अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जहाँ पे 47 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे 35,400 की सैलरी होगी आपकी। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड यानी कि यहाँ पे सीएडी में अगर आप जाना चाहते हैं सहायक के पदों पे तो 35,400 की सैलरी मिलेगी। 30 साल का वक्त 30 साल का एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे मात्र 2 ही पद है। अब ग्रुप सी की बात कर लेते हैं जहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 22 और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पे 100, जिसके लिए कि आप यहाँ पे करेंगे आवेदन। और दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट है ये लेवल 4 की वैकेंसी यानी कि 25,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पे, 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अगला पोस्ट है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का यहाँ पे, जहाँ पे लेवल 2 की सैलरी स्केल है, 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है, एक ही पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि लेबोरेटरी के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, इसमें मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी के लिए, जो कि जिसका मैंने आपको अपडेट दिया अभी ऊपर क्वालिफिकेशन को लेकर, जहाँ पे 35,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, 30 साल एज क्राइटेरिया है, 47 टोटल वैकेंसी है। और ये मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पे डिसिप्लिन का अलग से वैकेंसी बताया गया है इन 47 को टोटल काउंट करके। सीनियर टेक्नीशियन का यहाँ पोस्ट है, 25,000 की सैलरी मिलेगी, जहाँ पे आईटीआई आपका होना चाहिए, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर और फिटर और टर्नर और इलेक्ट्रीशियन को लेकर टोटल वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों 25 है, 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। तो ये सारी डिटेल जो कि मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, और अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करें, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर भी मैंने बताया कि इसमें किस तरह का टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो आप यहाँ पे इसके जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो ये सिलेबस का PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका दोस्तों, ये 150 नंबर का ये टोटल पेपर होगा और ये 120 मिनट का पेपर होना है आपका, जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 मार्क्स के होंगे 30 मिनट का, यानी कि स्लॉट वाइज आपका जो है एग्जाम दिया जाएगा। बाइलिंगुअल आपके एग्जाम होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो मात्र इंग्लिश में ही होगा। तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और ये 30 मिनट आपको समय मिलेगा। वहीं पे क्वांट का जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट के होंगे, है ना, 20 मिनट का होगा और ये 20 मार्क्स का होगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, यानी कि अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आवेदन करेंगे तो आपको वहाँ पे जो टेस्ट होगा वो 50 नंबर का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन का और 40 मिनट दिया जाएगा,
इन सभी के लिए, है ना। और आपके जो सब्जेक्ट है यहाँ से मेंशन किए गए हैं, तो जिस भी सेक्टर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, बट टाइमिंग यहाँ पे 40 मिनट की होगी। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। जी हाँ, अगला जो यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, ये टेक्निकल असिस्टेंट जो कि लेबोरेटरी के लिए है, असिस्टेंट कंप्यूटर यानी कि सीएडी के लिए है, और कुछ पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन के लिए, तो उनके लिए भी एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सेम पैटर्न पे आपका यहाँ भी एग्जाम रखा गया है, 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स का, और 120 मिनट में ये टोटल होगा। यहाँ पे आपके जो टेक्निकल हैंड है यानी कि टेक्निकल जो स्किल है उसके ऊपर टेस्ट लिया जाएगा। बाकी ये जो है आपका टेस्ट जो होगा ये सेम टेस्ट होगा यहाँ पे भी आपका। ओके, यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ पे आपका चार एग्जाम है, मतलब चार सब्जेक्ट का, रीजनिंग है, जीके है मतलब करेंट अफेयर है, और आपका मैथ्स है और इंग्लिश है। यहाँ भी 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपको इंग्लिश में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बायलिंगुअल नहीं होगा। तो ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हो गया जो कि मैंने आपको यहाँ से बताया दोस्तों। आप इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक के जरिए जाके आप नया आवेदन कर सकते हैं। क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आवेदन कब तक करना है, तो देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है आपको, 19 तारीख से लिंक एक्टिवेट है और ये 9 मई तक ही लास्ट डेट है। अगर जो भी छात्र एसएससी को तैयारी करते हैं या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये अवसर सुनहरा है। 276 पदों की टोटल वैकेंसी है जहाँ से आप जो छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो कोई भी आपके डाउट है आप क्लियरली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन जो है नीचे है, और जो नोटिफिकेशन और सिलेबस का और एग्जाम पैटर्न का जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।